हे दोस्तों, चटपट रिव्यू में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फौरन ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं गॉम्बो ऑफ चॉकलेट्स। हमारे पास है डेरी मिल्क का ओरियो, कैडबरी ओरियो, डेरी मिल्क ओरियो है, रोस्टेड आमंड्स है, और ये है नेस्ले का है चॉकलेट किटकैट है। हमारे पास है बार वन, मंच ओरियो, मंच मिल्की बार भी है, फ्रूट एंड नट्स है, और सिल्क पॉप है। तो चलिए इसे फटाफट से ओपन करते हैं। फर्स्ट ओपन करेंगे हम ये किटकैट। 50 रुपीज विन एंड SMS 50 रुपये की टिकट मिल जाएगी आपको फिल्म की। और इसे ओपन करता हूँ मैं। इसकी प्राइस है 10 रुपीज। हम किटकैट ओपन करते हैं। आपको किटकैट पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट करके बताना ज़रूर। वाओ, ये किटकैट ऐसा है, इसमें आपको 2 किटकैट के बिस्किट्स मिल जाएंगे और इसे तोड़ने से आपको बिस्किट्स मिल जाएंगे। तो हम इसे साइड में रखते हैं। और हम ओपन करेंगे अब ये मिल्की बार को। यमी मेक क्रीमी और मोर यमी को, और हम इसे बाहर निकालते हैं। ये इसकी, अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, हम ला लेंगे। तो हम इसे फाड़ लेंगे और चॉकलेट को निकालेंगे हम। वाह, वाइट कलर का चॉकलेट है ये। हमने इसकी कवर निकाल ली है और आप देख सकते हैं। खा कर बोलता हूँ मैं, बहुत ही नरम है और मिल्की फ्लेवर है। WSCO लिखा हुआ है इस पर। रख देंगे इसे बाहर। तो हम ओपन करेंगे 5-star 3D को और देखेंगे क्या निकलता है इसमें। वाओ, ये पिघल जा रहा है, ये देख सकते हैं 5-star 3D को। ये ऐसा है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। तो हम इसे साइड में रखते हैं। तो हम आते हैं गैलेक्सी को ओपन करेंगे कैंची की मदद से, काट कर लेंगे इसे। ये है गैलेक्सी का चॉकलेट, इसे साइड में रखता हूँ। और आप देख सकते हैं ये है नरम गैलेक्सी। टेस्ट भी बढ़िया है ये। ट्विक्स को ओपन करेंगे, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। इसमें बिस्किट्स निकले हैं, आप देख सकते हैं पूरे पिघल गए हैं ये गर्मी से। बिस्किट चॉकलेट लेयर है ये। ओरियो कैडबरी डिप को ओपन देखते हैं। कैडबरी डिप बिस्किट को, ये बिस्किट डिप में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं ये है। इसे साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास ओपन करेंगे ये वाले को, नेस्ले मंच के उसको। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें मिले है, एक बार निकला है और इस पर कुछ
क्या है ये पता नहीं, तो खाकर बोलता हूँ कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है। केलॉग्स के ऐसा है ये, चौकोस के ऐसा है, और नीचे क्रीम है, बढ़िया है। और हम आते हैं हमारे ये, इसको ओपन करेंगे सिल्क बबली को और देखेंगे कि सिल्क बबली कैसा है। ये तो पिघल ही गया है, ये पिघल गया है ये, तो आप देख सकते हैं सिल्क बबली को, और ये पूरा पिघल गया है, चॉकलेट बबल्स है इसमें। रोस्टेड आमंड्स को खोलते हैं, कैडबरी के चॉकलेट को बाहर निकालता हूं मैं, और आप देख सकते हैं कैडबरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है हमारे पास। और ये देख सकते हैं आप, ये मस्त है, इसमें आमंड्स भी है, तो इसे साइड में रख देते हैं। अब हम खोलेंगे रोस्टेड आमंड्स, वो नट्स है, रोस्टेड नट्स है ये, फ्रूट्स एंड नट्स है ये, रोस्टेड आमंड्स को ओपन करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये है, इसमें 1 2 3 4 8 मिल जाएंगे आपको पीसेस, बढ़िया है। और इसमें बादाम है खाली हमारे पास है, क्रैकल्स, अब हम ओपन करेंगे क्रैकल्स। पटपुट 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 फूटते हैं सो ये, और इसमें भी 8 पीसेस मिल जाएंगे, और यहाँ पर है क्रैक्स के फूटते सो। अब सुन पा रहे हो ना, अब हम महामंच क्रंच को ओपन करेंगे। और देखेंगे क्या निकलता है इसमें, हमें मिले हैं एक बड़ा मंच, तोड़ कर दिखाता हूं मैं इसे। वाह, बिस्किट्स और ये लगा हुआ है, और इसे नीचे साइड में रख देता हूं मैं। अब हम आते हैं हमारा ओरियो बिस्किट को ओपन करेंगे, ये वाले को, और कैसा है देखेंगे मैं आपको। ये पूरा बिस्किट चॉकलेट से डिप हुआ हुआ है, चॉकलेट एंड बिस्किट है ये, टेस्टी है। कैडबरी की कोटिंग है उसमें, उसके वास्ते मस्त दिख रहा है। मंच एंड क्रंच नट्स को ओपन करेंगे, वो मंच मचा था ये नट्स है ये, और देखेंगे हमें कितने पीसेस मिलते हैं। इसमें 2 पीसेस मिलते हैं, ये है बुनकी वाला, ऊपर छोटे छोटे बॉल्स है इसमें, और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस पे छोटे छोटे बबल्स है, बॉल्स है, मस्त है ये, और खाने पर भी मजा आ जाता है। अब हम बार 1 ओपन करेंगे, 2 सर्विंग्स, और देखते हैं क्या निकलता है इसमें। हमें मिले हैं 2 बार्स, और 1 2 2 बार्स निकले हैं, और इसे तोड़कर दिखाता हूं मैं। वाव, इसमें पूरा चॉकलेट भरा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा है ये, देख सकते हैं, इसे भी साइड में रख देंगे हम। अब हम ओपन करेंगे हमारा और एक लास्ट चॉको कैडबरी ओरियो बिस्किट डिप्स को, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मस्त रहता है ये,
खाने के लिए भी फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कीजिए फर्स्ट, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है तो पिघल ना जाए, मस्त है दोस्तों। आपको इसमें से कौन से चॉकलेट्स पसंद आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसमें से क्या क्या खाते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो रोस्टेड आमंड सीच अच्छा है, फ्रूट एंड नट्स अच्छा दिखता है मुझे, और दूसरा कुछ अच्छा नहीं दिखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग चॉकलेट्स या कैंडीज के साथ, स्नैक्स के साथ। तब तक के लिए चटपट रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।